Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine and doing your studies well. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना अध्ययन सुचारू रूप से चला रहे होंगे. Today onwards, we will learn English all together. In this class, there will be lot of fun. We will learn some new words. And we will do more and more activity. मैं यहाँ से पूछूंगा, आप वहाँ से जवाब देंगे. Let us start now. First, tell me, when do you get up in the morning? Oh, 6 o'clock. Good. I also get up in the morning at 5 o'clock. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, सम बॉयस आर लेजी, कुछ बच्चे ऐसे भी आलसी हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, वो आराम से सोना चाहते हैं. हु वेक्स देम अप, उन्हें कौन उठाता है? दादी, नानी, मम्मी, उनके पापा, है ना, कोई तो उठाता ही होगा. बच्चों आप बताएं, एनिमल्स और वर्ड्स को कौन जगाता है? पशुओं को और चिड़ियों को कौन जगाता है? नोबडी, कोई नहीं जगाता उन्हें. इस है ना, तो अच्छा मैं बताता हूँ कि उन्हें कौन जगाता है. इसका मतलब वो हमसे बेहतर हैं, अच्छे हैं, ऐसा कैसे होता है? अच्छा मैं बताता हूँ, उनके शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, जो उन्हें जैसे ही सूर्य की किरणें धरती को टच करती हैं, वह बायोलॉजिकल क्लॉक उन्हें जगा देती है. सेम ऐसे ही हमारे शरीर में भी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी नेचुरल क्लॉक हमारी बॉडी में भी होती है, जो हमें बताती है कि हमें कब खाना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, हमें कब जागना चाहिए. इसके लिए हमें क्या करना होगा? उस क्लॉक को समझना होगा. तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक है वेक अप. तो ओपन योर बुक एट पेज 11. लेसन 1, बैकअप. जागना यानी किसी को जगाना. लर्निंग आउटकम्स, द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिसाइट द पोइम विथ प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन. यह ऐसे बच्चे की एक कहानी है जो बहुत देर तक सोता है. चलो पढ़ते हैं. बैकअप, जागना. Back up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Back up means jagna. Jago, jago, it's a lovely day. ये बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत प्यारा दिन है. यानी देखिए, आपके बुक में भी सूर्य सब कुछ देखा, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़ियाँ तालाब में चहक रही हैं. तो इस तरीके से इट्स अ लवली डे है, बहुत प्यारा दिन है, सूर्य निकल आया है. ओ प्लीज गेट अप, यहाँ पे आपके मैजिक वर्ड का प्रयोग हुआ है, प्लीज. अरे कृपया उठ जाओ, बच्चों को बड़े प्यार से उठाया जाता है. अरे प्यारे उठ जाओ, प्लीज गेट अप, कृपया उठ जाओ. आपने देखा होगा बच्चे जब सुबह जल्दी खड़े हो जाते हैं, जब होते हैं तो मम्मियाँ उनकी जब जगाती हैं तो बच्चे अपने बेड पे बैठ जाते हैं और ऊँगे से सर, यानी जल्दी नहीं उठते हैं, वो ऊँगे से रहते हैं, यानी वो सोए से रहते हैं, काफ़ी समय बाद जागते हैं. तो वो प्लीज गेट अप, अरे कृपया उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले,
आओ और खेलो। उस बच्चे से जो आलसी बच्चा है उसे जगाते हुए कहा जा रहा है प्लीज बैक अप यानी कृपया उठ जाओ। इट्स अ लवली डे, ये बहुत प्यारा दिन है यानी सुबह हो गई है, सब कोई जाग गया है, आप भी बाहर आ जाइए। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द वर्ड्स, वर्ड मीन्स चिड़िया, वर्ड्स यानी बहुत सी चिड़िया। द वर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया हैं ट्रीज, ट्री माने पेड़ और ट्रीज यानी पेड़, बहुत से पेड़, जंगल। चिड़िया हैं चिड़िया हैं पेड़ों पर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीस, और आप यहाँ तक मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को भी सुन सकते हैं, यानी मधुमक्खियाँ भी जाग गई हैं, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। जैसे लैंग्वेज हमारी आपकी बात करने की होती है, ऐसे ही हर मधुमक्खियों की भिनभिनाना, वो भिनभिनाती हैं, आपस में बातें करती हैं। तो एंड यू कैन हियर द बजिंग बीस, और आप बजिंग बीस यानी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को भी सुन सकते हो। अरे खड़े हो जाओ, उस आलसी लड़के को बार बार जगाया जा रहा है इस कविता में, यही है। बैकअप बैकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो, कृपया उठ जाओ। द वर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया पेड़ों पर गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीस, और आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट भी सुन सकते हैं। आगे देखिए, बैकअप बैकअप, इसी को दोबारा दोहराया गया है। बैकअप बैकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, और वो है आलसी लड़का, उसे कहा गया है इट्स मच टू लेट, तुम बहुत देर तक सो लेट हो गए हो, सब लोग बाहर आ गए हैं, टू लाई इन बेड, बिस्तर में लेटे लेटे आपको बहुत समय हो गया है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, प्लीज कृपया उठ जाओ। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, कृपया जल्दी करिए, हरी मानी जल्दी करना, सो हरी अप आता है जल्दी करिए, यू स्लीपी हेड, अभी तुम जो ऊँगते हुए से हो उससे जाग जाओ। यहाँ पर उस आलसी बच्चे को बार बार कहा जा रहा है कृपया बाहर आ जाओ, है ना। बैकअप बैकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, बाहर आओ और खेलो, सब कोई खेल रहे हैं, सब जाग गए हैं। यहाँ प्राकृतिक सुंदर वातावरण का दृश्य दिया गया है। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, आप बिस्तर में बहुत देर हो गई आपको सोते सोते, सो हरी अप, उठ जाओ जल्दी, कृपया यू स्लीपी हेड, जो सो रहे हो उसे उठ जाओ। आगे नेक्स्ट स्टेंजा, वास एंड ड्रेस, वास का मींस धोना, यहाँ पे मुंह धोना ऐसा नहीं, नहाना धोना यानी सब जो है अपने नहा धो करके बाहर आ गए, एंड ड्रेस, आप भी खड़े हो जाओ, नहा धो लो एंड ड्रेस, और कपड़े पहन लो, वास एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, और बाहर आओ। Everyone is up and about, प्रत्येक व्यक्ति हर कोई, up and about phrase है, up and about, बाहर आ चुका है, सब कोई बाहर आ गया है। The cow, the horses, the ducks, यहाँ तक कि गाय भी जाग गई हैं। The horses, horse means घोड़ा, horses घोड़े, यानी कि घोड़े भी जाग गए हैं। The ducks, बतक यानी बतकें भी जाग गई हैं। And the sheep, और यहाँ तक कि भेड़ भी जाग गई है, यानी सब कोई जाग चुका है बाहर, है ना। द टाइनियस्ट चिकन यानी छोटी सी जो चूजा होता है मुर्गी का बच्चा, वो भी जाग चुका है। चीप चीप चीप, वो अपनी भाषा में आवाज कर रहा है, चीप चीप की आवाज निकल रहा है ना। वेक अप, वो भी जाग गया है, वह भी जाग गया है, बाहर आ गया है, आप भी जाग जाओ, कृपया उठ जाओ, कृपया खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से आपकी ये पोएम, इसको अब हम रिसाइट करेंगे, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे। आर यू रेडी? बैकअप बैकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले,
The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. यहाँ पे राइमिंग वर्ड ट्रीज और बीस आगे जो काम आएंगे आपके। जो तुकांत यानी जो कविता है इसका कंपोजिशन बिना तुकांत शब्दों के बिना राइमिंग वर्ड के नहीं हो सकता। आगे देखिए, बैकअप बैकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड सो हरी अप यू स्लीपी हेड, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, द काउ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शीप द टाइनियस्ट चिकन चीप 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 बैकअप। तो बच्चों आपने पोएम को रिसाइट किया, अब इसके आगे न्यू वर्ड्स जो इस पोएम में न्यू वर्ड्स आए हैं उनको जान लेते हैं। जैसे बैकअप, बैकअप में जागना या किसी को जगाना, लवली लवली में सुंदर या आकर्षक, गेटअप गेटअप मीन्स खड़े होना, बजिंग बजिंग मीन्स भिनभिनाहट यानी जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट है वो, स्लीपी यानी थका हुआ सोने का इच्छुक, टाइनियस्ट यानी सबसे छोटा। अब आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक। तो आइए आप क्वेश्चन देख लेते हैं, हु आर ऑलरेडी अवेक, तो आंसर है वर्ड्स बीस काउ हॉर्सेस डक्स स्लीप सीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक, यानी चिड़िया हैं, मधुमक्खियों, गाय, घोड़े, डक्स बतख और भेड़ और चूजा पहले से ही ऑलरेडी यानी पहले से ही जाग चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर द वर्ड सिंगिंग, चिड़ियां कहाँ गा रही हैं, द वर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़ियां हैं पेड़ों पर गा रही हैं। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से आप ने क्या सीखा है, वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस, इस पोएम से हमने सीखा है इज वी हैव टू बेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्नोत्तर हुए। अब आता है वर्ड पावर, वर्ड पावर में विच वर्ड्स हैव सिमिलियर साउंड इन द पोएम यानी राइमिंग वर्ड, जैसे डे इस कविता में जो क्या है राइमिंग वर्ड वो हमें देखने हैं। जैसे मान लो आपका बैट है, बैट कैट हैट रैट है ना, हैन पेन, तो इस तरीके से इस पोएम में जो आपके तुकांत शब्द हैं जो राइमिंग वर्ड हैं जो सिमिलर साउंड हैं उनको हमें देखना है। डे तो डे का जैसे उदाहरण दिया है प्ले, ऐसे ट्रीज का बीस, बेड का हेड, आउट का राइमिंग वर्ड अबाउट, सीप का चीप, यानी ये हम अपनी कविता से ही छांटना है। अब आती है एक्टिविटी, टॉक अबाउट डिफरेंट साउंड्स ऑफ वर्ड्स एंड एनिमल्स विद द टीचर एंड लर्न इट। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे काउ, काउ कैसे करती है मूस यानी वो रमाती है, गाय क्या करती है रमाती है, बी बज मधुमक्खी की आवाज क्या है भिनभिनाती है, मधुमक्खी बज बजिंग यानी भिनभिनाना, कैट म्यू बिल्ली क्या करती है म्याऊ म्याऊ करती है, डॉग बार कुत्ता क्या करता है भौंकता है, लॉयन रोर शेर क्या करता है दहाड़ता है, कॉक क्रो और जो मुर्गा है वो बांग देता है, और क्रो जो कौआ है वो काव 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 की आवाज करता है। तो आइए आप जो एक्टिविटी के सेंटेंस बना लेते हैं, सेंटेंस राइटिंग एक्टिविटी,
गाय रमाती है तो क्या है, एकाऊ मूस। मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, द बीस आर वजिंग। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, ए कैट म्यूस। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स वार। शेर दाड़ता है, द लायन रोर्स। मुर्गा बांग देता है, ए कॉक क्रोस। कौआ काँव काँव करता है, ए क्रो काउस। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंस राइटिंग एक्टिविटी की, तो अब आप इसे अपनी बुक पे नोट कर लें, ये क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लें और एक्टिविटी और ये जो राइमिंग वर्ड हैं वो भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और अगले लेसन में, अगले पार्ट में हम आपको फिर मिलते हैं।